बड़ी खबर क्या है आपको बताते हैं। यमुनानगर में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, यमुनानगर में ओमिक्रॉन के 3 नए केस मिले हैं और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। ये जो दंपत्ति थे वो नीदरलैंड से वापस यहां पर लौटे थे। यमुनानगर की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां पर 3 नए मामले जो हैं ओमिक्रॉन के सामने आए हैं और ये दंपत्ति नीदरलैंड से वापस लौटा था। तो आपको बताएं, हालांकि विदेशी लोगों की सघन जांच जो है वो की जा रही है, जो भी विदेश से वापस लौट रहे हैं, और इसी कड़ी में नीदरलैंड से लौटा ये दंपत्ति जो है ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया है। हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक यमुनानगर के अंदर ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं था, लेकिन अब जो है अगर हम आज की बात करें तो आज जिस प्रकार से जो सैंपल भेजे गए थे 20 तारीख को दिल्ली लैब के अंदर, उनके अंदर जो है आज 3 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। तो इस प्रकार से यमुनानगर जिले के अंदर भी ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है उसने दस्तक दे दी है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि जो विभाग द्वारा है लगातार जो है सैंपलिंग की जा रही है और जो विदेशों से आने वाले लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है। एक दंपत्ति जो कि नीदरलैंड से लौटा था 7 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद जो है उसके बाद उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया था, उसके अंदर जो है दोनों दंपत्ति कोरोना संक्रमण मिला था, और उसके बाद जब उन्हें कोरोना वार्ड के अंदर दाखिल करवाया गया और इसके साथ साथ ही जो उनकी बहन थी 33 वर्षीय वो भी कोरोना संक्रमित मिली थी, और तीनों के जो एक सैंपल होल जीनोम सिक्वेंसिंग जिसको कहा जा रहा है क्योंकि ये नया वेरिएंट है जो उसके जो है दिल्ली लैब में भिजवाए गए थे और आज उनकी रिपोर्ट आई है, तो तीनों के अंदर जो है ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं। तो इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम पहले से इसी चीज को लेकर अलर्ट हैं, जो भी विदेशियों से आ रहे हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नए वेरिएंट का कोई भी केस जिले के अंदर नहीं था तो स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं वो बढ़ना लाजमी है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनका कहना है कि जिस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोस्तवाना, न्यूजीलैंड, इस प्रकार से जो 12 देश हैं हाई रिस्क के, तो कोई भी अगर वहां से आ रहा है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ सैंपलिंग की जाती है। तो फिलहाल आज की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 3 जो है ओमिक्रॉन के मामले यमुनानगर के अंदर सामने आए हैं। जी ठीक है सुमित, नजर बनाकर रखिए, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।